अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की स्टूडियो में हम ENG 201 के लेक्चर नंबर 35 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 35 हमारे पास है लैंग्वेज रिव्यू। अब ये लेक्चर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो हमारे पास पैराग्राफ डिवेलपमेंट में कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके MCQs के लिहाज से, आपके सब्जेक्टिव के लिहाज से। इसमें से जो है मैं आपको भी बता देती हूँ, इसमें से जो आपका फाइनल टर्म का सेकंड क्विज होगा, मींस के फाइनल टर्म का जो कोर्स है उसमें मेरे ख्याल से जो सेकंड क्विज होता है उसमें से आपके यहाँ से 2-3 MCQs आते हैं, ठीक है, इस लेक्चर में से। इवन इसमें से जो है आपका क्या उसको बोलते हैं, जो फाइनल टर्म का एग्जाम्स होता है उसमें भी MCQs आते हैं और उसमें सब्जेक्टिव भी आता है। इवन मुझे भी याद है कि जब मेरा ये सब्जेक्ट था तो मेरा नंबरेशन पे जो है एक MCQs भी आया हुआ था और एक क्वेश्चन भी आया हुआ था। सो आपने जो है इसको अच्छे से करना है एंड इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने अच्छे से मतलब इस लेक्चर को हाईलाइट कर दिया ताकि आपको पता चल जाए कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर हमारे पास क्या है यहाँ पे, लैंग्वेज रिव्यू। एंड यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आ रहा है पैराग्राफ यूनिटी, ठीक है। अब इसका तो आपको पता ही होगा, ENG 101 में भी मैंने करवाया था। एंड पैराग्राफ यूनिटी होती क्या है बेसिकली, लाइक एक मेन आइडिया हम कह सकते हैं उसका, या एक यूनिक जो है उसका, हम मतलब हमें एक टॉपिक जो मिल रहा होता है उसका पूरे पैराग्राफ का, उसको हम क्या कहते हैं यूनिटी। मीन्स पूरा आपका पैराग्राफ जो है वो एक ही टॉपिक पे होता है, उसका जो भी मतलब वो होता है टॉपिक या मेन आइडिया या जो भी होता है वो एक ही उसका होता है, मतलब एक ही चीज़ के ऊपर वो सारा पैराग्राफ होता है, ये होता है उसका यूनिटी, ठीक है। उसके बाद कोहेरेंस की बात करते हैं। कोहेरेंस में क्या आता है, कोहेरेंस में चीज़ों को रिलेट किया जाता है, सही है। मीन्स के अगर दो पैराग्राफ दिए गए हैं या एक पैराग्राफ है उसमें अगर रिलेट कोई रिलेशन नहीं बन रहा, मतलब सेंटेंसेस का रिलेट नहीं कर रहे, तो क्या होता है कि उनको रिलेट करवाया जाता है। अब यहाँ पे उन्होंने देखे ना, यहाँ पे बात मतलब उन्होंने हाउसिंग नीड्स जो है वो उसकी बात की है, तो यहाँ पे उन्होंने उसको रिलेट किया हुआ। यहाँ पे देखें हाउसिंग नीड्स के बाद क्या आ रहा था, हाई रेट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हाउसिंग नीड्स के बाद इनफैक्ट द प्रॉब्लम हैव ग्रोथ इन द लास्ट 20 ईयर्स बिकॉज अ हाई रेट ऑफ, उन्होंने मतलब उसको रिलेट कर दिया एक सेंटेंस बीच में ऐड करके, मतलब ये अब उन्होंने क्या कर दिया, ये पूरा जो पैराग्राफ है ये रिलेट हो रहा है, सही है। मीन्स जहाँ पे आपको लगे कि सेंटेंस जो है वो जिससे रिलेट नहीं कर रहे या कोई पैराग्राफ जो है वो दूसरे पैराग्राफ से रिलेट नहीं कर रहा, तो आप वहाँ पे एक कोई ना कोई ऐसा सेंटेंस ऐड कर दें जो रिलेट है। अक्सर हम लोग भी क्या करते हैं, आप लोग मतलब एग्जाम देने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर आंसर लिखते हैं और हमें लगता है यार हमारा आंसर तो रिलेट कर ही नहीं रहा, हम कुछ ना कुछ बीच में ऐसे ऐड कर देते हैं जिससे हमें लगता है कि भाई हमारा आंसर रिलेट कर रहा है। तो मतलब कुछ इस तरह का कि ये यहाँ पे पैराग्राफ को रिलेट करते हैं, और ये किस में होता है, कोहरेंस में होता है, ठीक है, कोहरेंस में होता है। उसके बाद हमारे पास है ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस दिए गए यहाँ पे। तो उसमें यहाँ पे जैसे वर्ड्स यूज होते हैं, ये तो उन्होंने सिंपल एक दिया हुआ है, इसका जो इम्प्रूव्ड वर्जन है ये आपने रीड करना, देखे ना इनमें डिफरेंस उन्होंने यहाँ पे शो करवाया हुआ है। अब यहाँ पे है कि ड्रग्स इंक्रीजेज स्ट्रेस ऑन की पॉइंट जॉइंट्स, ठीक है, दिस पर्पज प्रोजेक्ट विल डिवेलप अ मॉडल टू रिड्यूस। आगे यहाँ पे देखें, इधर लिखा हुआ है ड्रग इंक्रीजेज स्ट्रेस ऑन की जॉइंट्स देयर फॉर दिस प्रपोज प्रोजेक्ट विल डिवेलप अ मॉडल, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया देयर फॉर, अब ये क्या है, ट्रांजिशनल वर्ड है, फ्रेज भी यूज किए जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए उसने एग्जाम्पल दिया है, मतलब जो बात वो टॉपिक पैराग्राफ में कह रहा है उसने यहाँ पे डायरेक्ट, इधर उसने डायरेक्ट बात की है ना पुअरली डिजाइंड रॉकेट, लेकिन यहाँ पे उसने फॉर एग्जाम्पल पुअरली डिजाइंड रॉकेट, तो उसने मतलब रिलेट किया हुआ ये वर्ड्स यूज किए हैं। तो ऐसे जो है आपने रिलेट करना हो तो उसमें आप ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है लिंकिंग प्रोनाउंस, अब प्रोनाउंस जो है उसको भी आप लिंक कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ कहाँ पे है ये सेंटेंस, अच्छा यहाँ पे है लिखा हुआ है कि एटम स्पेसिंग अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, सॉरी यहाँ पे था टू एटम स्पेसिंग हिज सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट और यहाँ पे था अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो हिज वर्ड क्या है, हमारे पास एक प्रोनाउन है और इसको पिछले सेंटेंस के साथ जर्मन केमिस्ट के साथ जो है ये रिलेट किया गया कि उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो है ये इसने किया था जर्मन केमिस्ट ने। तो यहाँ पे कि अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स मतलब बताया नहीं गया कि किसने किया क्या, लाइक उसको रिलेट नहीं किया ना, तो यहाँ पे लिंकिंग प्रोनाउन का यूज करते हुए, हिज का यूज करते हुए उसने इस सेंटेंस को इस केमिस्ट के साथ रिलेट कर दिया कि उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद है यहाँ पे फॉर द हाइपोथिसिस, लेकिन यहाँ पे प्रोवाइडेड द प्रूफ फॉर हिज हाइपोथिसिस, ठीक है।
मतलब अब उसने उसको प्रोनाउन को बना के बेटर उसने इम्प्रूव कर दिया उस पैराग्राफ को, और उसमें उसने प्रोनाउन का यूज़ किया. मतलब आप प्रोनाउन लिंकिंग जो प्रोनाउन जैन को यूज़ करते हुए हिज हर देयर ऐसे वर्ड जो है उनको आप यूज़ करके उनको इम्प्रूव कर सकते हो. सही है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिपीटेशन ऑफ की वर्ड्स. तो जहाँ पे रिपीटेशन आ रही है उसको आप जो है उसको आप खत्म भी कर सकते हैं. यहाँ पे देखें बार बार रिपीटेशन आ रही है, यहाँ पे पैकेट आ रहा है. देन यहाँ पे फिल्टर्स है, यहाँ पे देखें फिल्टर्स फॉर ट्रैफिक लोकलाइजेशन, लेकिन यहाँ पे पैकेट फिल्टर उन्होंने यूज़ कर दिया, रिपीटेशन कर दिया. फिर यहाँ पे अगेन उन्होंने और गेट वेज, लेकिन यहाँ पे उन्होंने फिर पैकेट कवर्ड अगेन, मतलब जिस टॉपिक पे बात हो रही है उसको उन्होंने बार बार कीवर्ड जो उसका मेन कीवर्ड तो यही है ना, ब्रॉडकास्ट पैकेट स्विचिंग, तो उसने बार बार पैकेट को जो है वो कीवर्ड को रिपीट किया है. ठीक है, तो आप रिपीटेशन भी कर सकते हैं अपना पैराग्राफ को बेटर बनाने के लिए. तो यहाँ पे बस जो इतने ऊपर 3-4 हमने टॉपिक देखे हैं इसमें क्या था कि अपने पैराग्राफ को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर वर्जन बनाने के लिए आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमने जो है वो लिंकिंग प्रोनाउंस भी देखे, हमने जो है वो ट्रांजिशन वर्ड्स वगैरह भी देखे, और उसके बाद हमने ये भी हमने जो है वो कीवर्ड्स भी देखे रिपीटेशंस. तो ये हमने चीज़ें देख ली. उसके बाद अब जो मेन मतलब जो इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर में, जो मेन चीज़ें हाईलाइट भी की हैं और मतलब ज़रूरी है और नेक्स्ट मतलब हम देखते हैं, वो हमारे पास क्या है, पैराग्राफ डेवलपमेंट. ठीक है, पैराग्राफ डेवलपमेंट में बेसिकली क्या होता है, पैराग्राफ डेवलपमेंट इन अ वराइटी ऑफ पैटर्न्स दैट रिफ्लेक्ट योर थिंकिंग अबाउट द मटेरियल. मीन्स कि पैराग्राफ डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो भी आपका मटेरियल होता है उसके अबाउट आप कुछ ना कुछ सोचते हो. आपके पास क्या होता है, वराइटी ऑफ पैटर्न्स होते हैं जिसमें आप अपना पैराग्राफ को डिवेलप कर सकते हो, लिख सकते हो, इवेंट्स उसमें आप डाल सकते हो, मतलब काफ़ी चीज़ें आप अपना पैराग्राफ को डिवेलप करने के लिए यूज़ कर सकते हो. अब यहाँ पे आगे फर्दर हमें कुछ दी भी गई हैं. अब पहले क्या है कि एक्स एग्जाम्पलीफिकेशन, इसमें क्या होता है कि इसमें जो पैराग्राफ हमें प्रोवाइड किया जाता है उसमें एग्जाम्पल्स दी जाती हैं. ठीक है, टू प्रोवाइड इंस्टेंसेस दैट क्लेरिफाई योर टॉपिक स्टेटमेंट. ठीक है, इसको हम एग्जाम्पलीफिकेशन को क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम जो है अपने पैराग्राफ को क्लियर कर सकें, और हम इसमें इंटेंसेस प्रोवाइड करते हैं. इंटेंसेस लाइक एग्जाम्पल्स हम इसमें प्रोवाइड करते हैं. आप यहाँ पे याद रखना चाहें तो एक्स एग्जाम्पलीफिकेशन लाइक एग्जाम्पल, मतलब माइंड में रखने के लिए ना, ये वो की वर्ड जो यूज़ कर सकते हैं मतलब माइंड में रखने के लिए. वैसे यहाँ पे इसका क्या है कि आप प्रोवाइड करते हैं इंटेंसेस, मतलब इंटेंसेस प्रोवाइड करते हैं अपने टॉपिक स्टेटमेंट को क्लेरिफाई करने के लिए. मीन्स अपने एग्जाम्पल्स आप वहाँ पे देते हैं. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में भी आती है. ठीक है, और उसके बाद नरेशन की बात करते हैं. नरेशन में क्या होता है कि आप नरेशन का यूज़ करते हैं कहाँ पे करते हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स में, जो कि क्या करते हैं, जो रीडर को बताते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ. ठीक है, और ये जो है वही क्रोनोलॉजिकल पैटर्न के फॉर्म में होती है, ये आपने याद रखना है, और ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है. सही है, और इसमें आपने बस मतलब ये याद रखना है कि ये सीरीज ऑफ इवेंट में यूज होते हैं जो कि रीडर को बताता है कि इसमें एक्चुअली हुआ क्या इस पैराग्राफ वगैरह में. सही है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है मीन्स एमसीक्यूज के लिहाज से. अब इसमें क्या है कि यूज प्रोसेस इन पैराग्राफ्स टू डिवेल्प सीक्वेंस दैट डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन इज कैरीड आउट और हाउ समथिंग वर्क्स. मतलब इसमें आप क्या करते हैं कि आप डिवेल्प करते हैं एक सीक्वेंस, मतलब आपने जो पैराग्राफ लिखा है उसमें एक सीक्वेंस बनाते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप एक सीक्वेंस से बताते हैं कि एक्शन कैसे हुआ, उसमें काम कैसे हुआ, मतलब एक सीक्वेंस से आप बताते हैं, मतलब एक तरतीब से आप अपना वो पूरा वो पैराग्राफ जो है वो बताते हैं. इसका एक प्रोसेस होता है. ठीक है, लाइक हम कहते हैं ना हर काम का एक तरीकाकार होता है, कोई ना कोई उसका प्रोसेस होता है, मेथड होता है, मतलब वो ये चीज़ कह लें कि उसको एक सीक्वेंस दी जाती है, सीक्वेंस में डिवेल्प किया जाता है कि ये एक्शन कैसे हुआ, उसका एक प्रोसेस बनाया जाता है, पूरा वो प्रोसेस होता है. हर चीज़ का प्रोसेस होता है, इसी तरह पैराग्राफ का भी प्रोसेस होता है. तो ये मतलब प्रोसेस वही चीज़ है जो नॉर्मल होती है. तो इसको भी आपने डेफिनेशन याद रखनी है, हमसे यूज में आ सकती है, आती भी है. उसके बाद डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं. डिस्क्रिप्शन जो है आप फिजिकल पिक्चर या फंक्शनल व्यू जो है ऑब्जेक्ट का वो प्रोवाइड करते हैं इसमें. डिस्क्रिप्शन में उसके लिए क्या होता है कि आपका जो भी सब्जेक्ट होता है, जो भी टॉपिक होता है, उसमें उसकी आप लाइक जो हम डिटेल देते हैं, उसके अबाउट हम बताते हैं उसमें, वो क्या होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है. सही है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन डिवेल्प अ पिक्चर बाय आइडेंटिफाइंग द शेप्स मटेरियल पोजिशन फंक्शन ऑफ इट्स सब्जेक्ट. अगर फिजिकल डिस्क्रिप्शन आप दे रहे हैं उसमें क्या होगा, पिक्चर्स हो सकती हैं, पिक्चर्स जो कि शेप्स के फॉर्म में हो सकती है, मटेरियल्स पोजिशन एंड फंक्शन जो है वो भी हो सकते हैं. सही है, उसके बाद नेक्स्ट हम एनालॉजी देख लेते हैं. एनालॉजी क्या होती है, एनालॉजी में आप क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं एक ऑब्जेक्ट को या कोई एक प्रोसेस को किसी दूसरे के साथ. मीन्स कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उससे रिलेटेड उस टाइप का कोई और ऑब्जेक्ट जो है वो पकड़ लेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे. मीन्स कि जो आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं उसके लिए कोई और ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं या कोई और प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं. ठीक है,
यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी गई थी कि एक्सप्लेनिंग द इंटरनेट बाय रेफरेंस टू अ हाईवे सिस्टम, मतलब अभी देखिए इंटरनेट जो है उस पर बहुत ज़्यादा रश होता है, इतना ज़्यादा है, और हाईवे पे भी लाइक ऐसे ही होता है, तो ये उन्होंने इसको रिलेट किया हुआ है मतलब एक्सप्लेन करने के लिए इंटरनेट को। इसी तरह मतलब आप एग्जांपल दे सकते हैं, और इसी में इसमें जो है ऐसे ही होता है। और नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट पे तो मतलब मैंने काफ़ी पहले भी मतलब हर जब भी टॉपिक आता है मैं बहुत अच्छे से बताती हूँ, और कॉज एंड इफेक्ट का पता भी होगा आपको। कॉज एंड इफेक्ट में क्या होता है, कॉज मतलब कॉज की वजह, कुछ अगर हैपन हुआ है, कुछ हुआ है तो उसकी वजह क्या है उसको हम कॉज कह देते हैं। एंड इफेक्ट कि अगर कुछ हो गया है, ठीक है, कुछ हैपन हुआ है तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या आया हमारे पास, जो रिजल्ट है उसको हम इफेक्ट कहेंगे, और जो वजह होगी किसी काम के होने की वो उसकी कॉज होगी, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है कि डिवेलप ऑफ वन सिचुएशन और इवन आउट ऑफ इवेंट आउट ऑफ अनदर, मतलब किसी एक इवेंट से दूसरे इवेंट को जो है डिवेलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल को काज हुई है तो उससे हमें इफेक्ट मिल गया उसका, कि उसका रिजल्ट मिल गया, कि अगर ये मतलब काज हुई है ना रीजन, तो उससे हमें उसका इफेक्ट भी तो मिला है, अगर कुछ हुआ है फिर उसकी रीजन भी मिली है और उसका इफेक्ट भी हमें मिला है। तो मतलब ये काज एंड इफेक्ट की डेफिनेशन आपने ये भी याद रखनी है। और उसके बाद आ जाते हैं भाई कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मेरे पेपर में आया था, जब मतलब मेरा पेपर था तो उसमें ये भी आया हुआ था। इसके उन्होंने हमें 5 दिए हुए थे, 5 में उन्होंने लाइक सेंटेंसेस दिए हुए थे, उसमें हमने बताना था कि इसमें कंपैरिजन कौन सा है, कंट्रास्ट कौन सा है। तो आपको इसकी जो है आप गूगल से भी हम एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, वैसे तो नॉर्मल मतलब ये टॉपिक मतलब कॉमन है, सबको ही पता होता है कंपैरिजन क्या है, कंट्रास्ट क्या है, फिर भी बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि आपने सिमिलैरिटीज़ को डिससिमिलैरिटीज़ को एग्जामिन करना होता है, ठीक है, सिमिलैरिटीज़ को और डिससिमिलैरिटीज़ को कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट में। कंपैरिजन में क्या होता है कि सिमिलैरिटीज़ को करता है, और जो कंट्रास्ट है वो डिफरेंसेस को करता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है भाई क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। एंड क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन में क्या होता है, क्लासिफिकेशन जो है उसमें आप क्या करते हैं, यू एसोसिएट सिमिलरिटी सिमिलर थिंग्स आर प्रोसेसेस बाय ग्रुपिंग देम इनटू क्लासेस। आप क्या करते हैं कि जो सेम थिंग्स होती हैं या सिमिलर प्रोसेसेस होते हैं उनको ग्रुप कर देते हो किसी एक क्लास में, मतलब आप क्लासेस में ग्रुप कर देते हो, ठीक है, सिमिलर सिमिलर थिंग्स को जो मिलती जुलती है ना उनका आप एक ग्रुप बनाते जाते हो, क्लासेस बनाते जाते हो। तो ये क्या होता है क्लासिफिकेशन में। अब डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन में क्या होता है, यू डिवेल्प अ टॉपिक बाय ब्रेकिंग इट डाउन इंटू स्मॉलर पार्ट्स। आप जो है टॉपिक को उसके स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, मीन्स कि अगर आपके पास एक बड़ा कोई टॉपिक है तो उसको आप उसके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। डिवीजन मीन्स डिवीजन का तो पता है, सो डिवीजन यही चीज़ यहाँ पे भी है। तो इस इन दोनों की भी डेफिनेशन बस याद रखिएगा आप। और उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं भाई नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है डेफिनेशन। डेफिनेशन जो है इसमें क्या होता है कि आप जो भी अपना टॉपिक आपके पास है या जो भी चीज़ मतलब आपके पास, उसमें आप उसको क्या करते हैं डिफाइन करते हैं, उसकी अबाउट जो है वो आपको मतलब लाइक जैसे अभी यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ, तो क्या हो रहा है मतलब जब भी मैंने अभी आपको काज इफेक्ट की डेफिनेशन बताई है, आपको क्या हुआ उसकी समझ लग गई कि काज क्या होता है भाई, इफेक्ट क्या होता है, अब आपको समझ लग गया, कॉन्सेप्ट आपको मिल गया, उसका मीनिंग पता लग गया कि काज एंड इफेक्ट क्यों यूज हो रहा है, क्या है। तो इसी तरह डेफिनेशन जो है इसमें भी वही चीज़ होती है। एक्चुअली में मैंने भी आपको जो बताया वो भी क्या थी, डेफिनेशन थी। सो यहाँ पे भी क्या है कि आपको एक मीनिंग पता चल जाता है, आपको हेल्प हो जाती है उस टॉपिक के अबाउट जो भी मतलब आपको दिया जा रहा होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास एनालिसिस। एनालिसिस क्या है, एग्जामिन द सब्जेक्ट बाय एवेल्युएटिंग वन ऑफ इट्स एस्पेक्ट। अब इसमें क्या करते हैं कि आपको जो है कोई एक जो है उसका एस्पेक्ट दिया जाता है, उसको आप जो है वो एग्जामिन करते हैं और मतलब एनालाइज करते हैं। मीन्स एनालाइज क्या होता है, एनालाइज करना, जज करना किसी चीज़ को और उसको मतलब एग्जामिन करना। तो इसमें जो है कि कोई एक आपको दिया जाता है उसको आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो, एग्जामिन करते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नंबरेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नंबरेशन में क्या होता है, नंबरेशन में क्या होता है कि व्हेन यू वांट टू एटमाइज अ लिस्ट अ सेट ऑफ टॉपिक्स आर सीरीज ऑफ सम काइंड, मतलब किसी टाइप की सीरीज है या कोई टॉपिक्स है, अगर आप उनको लिस्ट उनके बनाना चाहते हो या उनको एक मतलब नंबरिंग देना चाहते हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 4 मतलब एक नंबरिंग दी जाती है, तो वो अगर आप देना चाहते हो तो वो क्या होगी, नंबरेशन होगी, ठीक है। एंड ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, एनालिसिस भी हो सकती है। तो यहाँ तक कि आज का लेक्चर था,
आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मजीद कोई इंक्वायरी हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। एंड गाइस, मेरा मेथड आप लोगों को कैसा लगता है? लाइक मैं बिल्कुल सिंपल एक मतलब नॉर्मल फ्रेंड्स वाले माहौल में मतलब बताती हूँ, फ्रेंकली लेक्चर जो है वो साथ साथ बताती हूँ। तो आपको ये कैसा लगता है, आप मुझे ये ज़रूर फीडबैक दिया करें कि मेरा स्टाइल जो है वो पढ़ाने का वो कैसा आपको लगता है, तो वो भी फीडबैक दीजिएगा। और हाँ, एक और आप लोगों की मुझे थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए थी कि आप लोग मेरे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर करें और मुझे यहाँ पे भी आप सपोर्ट करें। मुझे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।